दोस्तों आज के दिन शायद ही ऐसा कोई वेब सीरीज या मूवीज बन रही है जिसमें पंकज त्रिपाठी ना दिखता हो। पंकज त्रिपाठी एक ऐसे एक्टर जो यंग से लेकर बूढ़े हर किसी को अपने एक्टिंग का फैन बना चुके हैं, पर उनकी आज की जिंदगी आज अचानक नहीं आ गई है। उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी इसके लिए। सबसे बड़ी बात है उनकी लाइफ जर्नी एक इंस्पिरेशन है। चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं शार्प एक्टर पंकज त्रिपाठी के लाइफ के बारे में। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के बरावली गांव में 5 सितंबर 1976 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम है पंडित बनारस त्रिपाठी और माताजी का नाम है हेमवती त्रिपाठी। उनके फादर किसान होने के साथ साथ में पूजा पाठ भी करते हैं। स्कूल में 11वीं से पहले पंकज खुद अपने पिता को खेती में हेल्प करते थे और छुट्टियों के मौसम में गाँव में नाटक में हिस्सा लेते थे। गाँव वालों को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आता था और इसीलिए वो एक्टिंग को चूज करना चाहते थे। पर स्कूलिंग के बाद वो पटना के हाजीपुर में IHM से होटल मैनेजमेंट किए। वो कॉलेज पॉलिटिक्स में भी हिस्सा ले चुके हैं। इसी चक्कर में उनको 7 दिन के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ी। एक्टिंग में फेल हो जाने के डर से पटना के एक 5-स्टार होटल में वो असिस्टेंट शेफ का काम करने लगे। उस होटल में योगेश नाम का उनका एक दोस्त हुआ करता था और योगेश आज भी उसी होटल में काम करते हैं। पंकज जब भी उस होटल में जाते हैं तो योगेश से जरूर मिलते हैं। वो पटना में 7 साल रहे। दिन में वो नौकरी करते थे और रात में वो थिएटर करते थे। होटल का मैनेजर उसे बहुत डांटता था कि कभी कभार वो ड्यूटी में लेट कर जाते हैं और कभी कभार एब्सेंट रहते हैं, लेकिन मन तो उनका एक्टिंग में ही था। इसके बाद वो डेली मूव किए NSD में ज्वाइन करने के लिए। वहाँ उनको 2 साल रिजेक्शन मिला। इसके बाद 3rd ईयर वो फाइनली NSD में दाखिला लिए और 2004 में ही ग्रेजुएशन करने के बाद वो मुंबई शिफ्ट किए। वहाँ जाने के बाद में वो ऑडिशन पे ऑडिशन देने लगे, कभी मूवी के लिए ऑडिशन, कभी एड के लिए ऑडिशन, लेकिन हर जगह पे उनको नॉट फिट सुनना पड़ा। वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि नॉट फिट सुनते सुनते उनका हालत ऐसा हो गया था कि उनको लगने लगा कि घर जाने के बाद उनकी बीबी भी उनको नॉट फिट बोल दे, लेकिन वो हार नहीं माने। आखिरकार रन मूवी में उनको बहुत छोटा सा एक रोल मिला, उसमें भी उनका खुद का आवाज नहीं दिया गया। विजय राज को जो आदमी कहता है कि 5 रुपए वाला कौवा बिरयानी था, ये कहने वाला इंसान ही पंकज त्रिपाठी है। इसके बाद कई सारे मूवीज में उनको छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे, जैसे 2005 में अपहरण, 2006 में ओमकारा, 2007 में धर्म, 2008 में मिथ्या शौर्य, 2009 में चिंटू जी 12 आना जैसे मूवीज, 2011 में चिल्लर पार्टी में भी सेक्रेटरी दुबे का रोल उन्होंने अदा किए थे। सबसे पहले जिस मूवी के जरिए उनको पहचान मिली वो है गैंग्स ऑफ वासीपुर। 2012 में रिलीज हुई अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासीपुर में इनका रोल बहुत ही दमदार था। इसमें वो सुल्तान कुरैशी का रोल प्ले किए थे। इसके अलावा 2012 में ही वो अग्निपथ और दबंग 2 में भी आ चुके हैं। इसके बाद से वो कई सारे मूवीज किए, लेकिन जिन मूवीज में उनको हमेशा याद रखा जाएगा उसमें से है फुकरे, फुकरे रिटर्न्स, न्यूटन, स्त्री और अंग्रेजी मीडियम। इसके अलावा भी वो कई सारे मूवीज में काम किए, लेकिन वो रोल्स उतने दमदार नहीं लगे। इन सब में सबसे बेहतर था गैंग्स ऑफ वासीपुर। शुरुआती दिनों में वो वैसे ही नेगेटिव रोल्स करते थे, लेकिन बाद में फिर वो कई तरह के रोल्स करने लगे। 2018 में आई वेब सीरीज मिर्जापुर में उनका रोल काफी दमदार था और इस रोल के बाद से उनको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। मिर्जापुर का 2रा सीजन भी आ चुका है। इसके अलावा सेक्रेट गेम्स में भी वो आ चुके हैं। कई सारे वेब सीरीज वो और कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कई और आने वाले हैं। वेब मूवीज में एक्सट्रैक्शन, लूडो, कागज में वो दिख चुके हैं। रिसेंटली रिलीज्ड मुंबई सागा में भी वो है। इसके अलावा 83 और बच्चन पांडे में भी वो दिखने वाले हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स ने न्यूटन के लिए उनको स्पेशल मेंशन अवार्ड दे चुके हैं। न्यूटन के अलावा मिर्जापुर, स्त्री, गुंजन सक्सेना के लिए उनको अवार्ड्स मिल चुके हैं और हम लोग उन्हें आने वाले दिनों में कई सारे अवार्ड्स लेते हुए देखेंगे। पंकज त्रिपाठी एक ऐसे एक्टर है जो बहुत सहज रहना पसंद करते हैं। आज की डेट में वो अपने गांव में नहीं मुंबई में रहते हैं, पर वो बहुत साधारण रहना पसंद करते हैं। पंकज त्रिपाठी को छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशियां मिलती है। उनको लगता है खुशियां पाने के लिए लग्जरियस चीजों की जरूरत नहीं होती है। उनकी फैमिली में बीवी मृदुला के साथ में उनकी बेटी आशी भी रहती है और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को जो पसंद है वो अपनी जिंदगी में वो बने। जरूरी नहीं है कि वो एक्टर की बेटी है बोल के एक्टर ही बने। अपने फील्ड में वो इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, मनोज वाजपेयी को बहुत एडमायर करते हैं। शुरुआत में वो इरफान खान को कॉपी करते थे, लेकिन फिर बाद में उनको लगा कि इरफान खान तो एक ही है, इसीलिए वो अपने हिसाब से एक्टिंग करने लगे। उनकी एक्टिंग देखने के बाद में हम सबको लगा कि वो फ्यूचर के सुपरस्टार है, और हो भी क्यों ना, उनकी एक्टिंग इतना नेचुरल जो है। ये एक ऐसे कलाकार है जिनको हम आने वाले दिनों में बहुत देखना चाहेंगे। हमारी तरफ से इस स्टार को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।